मारने के बाद घटना के बाद माहौल गर्मा गया। डीसीपी ईस्ट और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्टूडेंट्स लॉ कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यूआरटी के जवानों पर थप्पड़ मारने का आरोप है। आपको बता दें कि मतदान हो रहा था, इसी दौरान ये हल्की सी झड़प भी देखने को मिली, जहां क्यूआरटी के जवानों ने एक स्टूडेंट को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद डीसीपी ईस्ट और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्टूडेंट्स लॉ कॉलेज के बाहर अब विरोध भी जता रहे हैं और क्यूआरटी के जवानों पर थप्पड़ मारने का ये आरोप है। जयपुर के लॉ कॉलेज से ये हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक स्टूडेंट को थप्पड़ मारने का ये पूरा मामला है। थप्पड़ किस वजह से मारा, किस वजह से ये कहा सुनी हुई, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन क्यूआरटी के जवानों पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। इसके बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे, डीसीपी ईस्ट पहुंचे। माहौल हल्का फुल्का वहां पर गर्मा जरूर गया, बहस भी हुई है। स्टूडेंट्स अब लॉ कॉलेज के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और नाराजगी है स्टूडेंट्स में। मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी ललित का, जो ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हमारे साथ। ललित, यहाँ पर लॉ कॉलेज के बाहर जो विरोध देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स का, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है ताजा तरीके? जी बिल्कुल जैस्मिन, अगर बता दें राजस्थान विश्वविद्यालय में जो मतदान चल रहा है, लॉ कॉलेज में अभी भारी हंगामा देखने को मिला है। यह हंगामा इसलिए हुआ है क्योंकि एक जवान द्वारा एक छात्र को थप्पड़ मारा गया था। उसके बाद जब छात्रों को इस बारे में जानकारी मिली तो यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हो गए, तो वही पुलिस के आला अधिकारी और यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग भी वहाँ पहुँच गए थे। समझाइश का दौर लगातार जारी था, लेकिन मेरे सहयोगी आशुतोष वहाँ लगातार नज़रें बनाए हुए थे। पल पल की जो जानकारी थे हम तक पहुँचा रहे थे, हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे थे कि किस प्रकार से वहाँ हंगामे की स्थिति बनी थी। आप जो वीडियो है उसके माध्यम से भी देख सकते हैं कि लगातार हंगामे की स्थिति बनती रही थी। यहाँ पर कुछ छात्र नेता भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। राजस्थान अभी लॉ कॉलेज में एक हंगामे की स्थिति बनी थी, आप भी वहाँ मौजूद थे, क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था? देखिए, क्यूआरटी के जवान ने किसी छात्र के जबरदस्ती वोट डालने जा रहे थे, थप्पड़ मार दी गई थी। और मैं खुद भी लोग विद्यार्थी हूँ, वो हमें कानून स्वीकारते हैं, कानून खुद जानते हैं, हम खुद 5 साल कानून पढ़ते हैं। वैसे इसके बदतमीजी नहीं की जाए क्यूआरटी के माध्यम से। और इसी प्रकार से मैं पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उन्हें इसे इस लोकतंत्र के महापर्व में प्रथम श्रेणी में असमत प्रयोग किया। मानता हूँ इस बार जो वोट प्रतिशत कम रहा है, उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को आगे इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए, इसे लोकतंत्र में अपने वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके। हमारे साथ NSUI के प्रभारी भी मौजूद हैं। राहुल, क्या रहा, मतलब मतदान अब पूरा हो चुका है, इस बार मतदान फीसदी कम क्यों रहा? देखिए, मतदान फीसदी कम रहने का सबसे बड़ा कारण था कि जो 3-4 दिन की जो छुट्टियां थी, जो छुट्टियां आ गई थी, उसके कारण मतदान बच्चे थे जो ग्रामीण क्षेत्र से आते थे वो अपने घर चले गए थे और वो आ नहीं पाए। इसके लिए मैं कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है और पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने भय का माहौल बना रखा है राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, यहाँ पे पढ़ने आते हैं हर विद्यार्थी समझदार है, हर विद्यार्थी अपने आप में काबिल है, वो कोई डर के माध्यम या भय के माध्यम यहाँ भय का माहौल नहीं बना रखा है। लेकिन इन्होंने पुलिस प्रशासन ने इतना भय का माहौल बना रखा है कि बच्चा वोट डालने आने से भी डर रहा है। बिल्कुल, ये कारण है। मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे बीच में जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या घटनाक्रम रहा था लॉ कॉलेज में, आप मौजूद थे पूरे, क्या घटना थी? देखिए, गांधीनगर के जो थाना अधिकारी थे वो मौजूद थे, क्यूआरटी के जो जवान थे वो मौजूद थे। एक तरीके का निरीक्षण चल रहा था कि कोई अंदर कोई शिकायत तो नहीं है। लगातार जो भी बीच में छात्र आ रहे थे उनकी ID मांगी जा रही थी, जिनके पास ID थी उनको भी बीच में रोका जा रहा था। थोड़ी जो कमी खामी थी वो SHO की जो एक संरक्षण होता है उसमें, उनके डायरेक्शन जो दिए जाते हैं उसमें हुई है। क्योंकि अचानक से किसी की ID मांग लेना और जब वो जवाब नहीं दे पाए या जवाब दे भी दे तो उसको अचानक से थप्पड़ मार देना, ये एक गलत मैसेज जाता है पुलिस का। पुलिस ने बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न कराया है और बधाई की पात्र भी है जयपुर पुलिस, किसी तरह की कोई ऐसी जो घटना है वो सामने नहीं आई है। आशुतोष, 2 दिन पहले जब यूनिवर्सिटी के गेट पे झगड़ा हुआ था उस समय भी ये देखने में आया था कि क्यूआरटी के जवानों ने ही जब थप्पड़ मारा था, उसके बाद स्थिति काफी बिगड़ गई थी। अंदर क्या स्थिति रही, अब क्या स्थिति बनी? देखिए, किसी भी चीज का जो इमीडिएट रेस्पॉन्स होता है, जो ठीक है ललित, कुल मिलाकर यहाँ कह सकते हैं कि शांतिपूर्वक यहाँ पर जयपुर में मतदान चल रहा है। लेकिन एक बार जोधपुर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी भवानी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, अब से कुछ ही मिनटों बाद मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सिर्फ वही बच्चे मतदान कर पाएंगे जो मतदान केंद्रों में मौजूद हैं। क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है जोधपुर से सामने? मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के
देखिए, अभी तक का जो मतदान हुआ है वो शांतिपूर्ण लगभग कह सकते हैं कि अब कुछ ही मिनट का समय बचा, अंतिम बचा है, जिसमें हालांकि अभी से जो कॉलेज के कैंपस के जो मुख्य गेट है, मैं दिखाना चाहूँगा कि वो बंद कर दिए गए हैं। जो छात्र अंदर प्रवेश कर चुके हैं केवल वो ही अब जो है मतदान कर सकेंगे। और 12 बजे तक के मत प्रतिशत की बात करें तो करीब 45% जो मतदान है जेएनयू में हुआ है। तो और अभी तक छुटपुट घटनाओं को छोड़कर देखें तो पूरी जो मतदान प्रक्रिया है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। इसके बाद किसी तरह का विवाद नहीं हो, इसके लिए लगातार जो DCP धर्मेंद्र सिंह यादव है वो यहाँ कैंपस में मौजूद है, वो लगातार यहाँ पर राउंड कर रहे हैं। पुलिस के जो तमाम अधिकारी है, ACP स्तर के, एडिशनल ACP स्तर के, वो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जो कैंपस के बाहर जिस तरह की एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, एहतियात के तौर पर आंसू गैस के लिए वैन यहाँ पर लगाई गई है, पुलिस का और RAC का जाब्ता यहाँ मुख्य गेट के बाहर तैनात किया गया। और अब जब कहा जा सकता है कि जयपुर की तरह ही जोधपुर में भी शांतिपूर्वक ये चुनाव जो है, मतदान जो है, संपन्न हुआ है। आपके पास दोबारा लौटेंगे भवानी, आपका रुख करेंगे। ललित, आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो कुल मिलाकर जो तस्वीरें सामने आई है छुटपुट घटनाओं के बाद, कुल मिलाकर शांतिपूर्वक ये मतदान हुआ है। और मतदान के दौरान कई शहरों में फर्जी वोटिंग के मामले भी सामने आए। कुछ युवकों ने फर्जी वोटिंग की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बीकानेर में एक छात्रा समेत 8 लोगों को पुलिस ने फर्जी वोटिंग की कोशिश करते हुए पकड़ा। जोधपुर में 2 और उदयपुर में 1 युवक फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ा गया है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में, जहां फर्जी वोटर्स को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस की मुस्तैदी यहां पर काम आई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि निष्पक्ष चुनाव कराने की जो कोशिश रहती है पुलिस प्रशासन की और यूनिवर्सिटीज की, कॉलेज प्रबंधन की, जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कही जाती है, वो यहां पर तस्वीरें सामने देखने को मिली है कि फर्जी वोटर्स को पकड़ा गया है। ये एक बहुत अच्छी बात सामने निकल कर आई है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना बड़े लेवल पर सामने नहीं आई। हालांकि छुटपुट घटनाएं जरूर देखने को मिली है। 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर से, जहां फर्जी वोटर्स को पकड़ा है। पुलिस की सुरक्षा यहां पर चाक चौबंद थी जिसकी वजह से यह संभव हो पाया और फर्जी वोटर्स मतदान करने से पीछे रह गए। और उन पर अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी आने वाला समय बताएगा, लेकिन फर्जी वोटर्स को यहां पकड़ा गया है। वहीं प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग की अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको अब दिखाते हैं कि किस तरह से अलग अलग शहरों में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में और सरकारी कॉलेजों में वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंड अब शेष बचे हैं जब वोटिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सिर्फ वही छात्र और छात्राएं वोट कर सकेंगे जो मतदान केंद्र के अंदर है। पुलिस ने यहां पर अपना रोल बखूबी निभाया है। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक ये छात्र संघ चुनाव जो है संपन्न हुआ है। वोटिंग इसकी कल होनी है। मत पेटियों में प्रत्याशियों की किस्मत अब कैद हो चुकी है और कल कौन कैंपस का किंग होगा इसके नाम का ऐलान भी हो जाएगा। छात्र संघ चुनाव के दौरान वोटिंग के